हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन में हम लोग रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सिंटेक्स लिखा है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू के लिए। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है और फंक्शन विद पैरामीटर का सिंटेक्स क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको फंक्शन कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ये आपका फंक्शन का नेम रहेगा। यहाँ पर आप फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप पैरामीटर पास करोगे। आप एक से ज्यादा दो, अभी मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर यूज किया है, आप दो से ज्यादा भी पैरामीटर यूज कर सकते हो। यहाँ आपने ओपन ब्रेस किया, क्लोज, और इसके अंदर में पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कीवर्ड रहेगा और यहाँ पर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। फिर आप कोई एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल लिया, आपको जो लेना ले सकते हो। फिर फंक्शन को, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर में आर्गूमेंट पास कर दिया। जितना आर्गूमेंट आपका यहाँ रहेगा उतना आर्गूमेंट आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकली से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पर फंक्शन का नेम मैंने सम लिया, क्लियर है। यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर ले लेता हूँ, तीन पैरामीटर लिया। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, और इस वेरिएबल के अंदर में मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूँ, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन जो भी ये कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल एक्स को रिटर्न कर देता हूँ। क्लियर यहाँ तक पॉइंट सबको। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सम को मैं कॉल करता हूँ। तो सम को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ और इसका पैरामीटर आर्गुमेंट पास करता हूँ। मैंने पास किया 10, 20, 30 आर्गुमेंट पास किया, और ये जो मेरा वैल्यू है ये जाकर कोई वेरिएबल में मैं स्टोर कर देता हूँ। मान लो कि मैंने जेड नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्लियर है। अब मैं इस जेड को प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर में मैं जेड को प्रिंट कर दिया, क्लियर है। देखो मेरा आउटपुट 60 आ चुका है, क्लियर सबको। अब देखो यहाँ पर मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ। ये जैसे ही आपने पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया, ये आर्गुमेंट आपका सम फंक्शन को कॉल करेगा, सम फंक्शन के पास जाएगा, यहाँ पर असाइन होगा वैल्यू, वैल्यू असाइन होकर एक्स आपका ये जो भी है इसका वैल्यू 10, 20, 30 ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा और एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, और ये एक्स को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, क्लियर है। अब जो एक्स का वैल्यू इसके अंदर में रिटर्न किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर इसके पास आ जाएगा और ये जो भी है सम का जो भी फंक्शन का जो भी कैलकुलेशन था वो आपका जेड में जाकर स्टोर हो चुका है और इस जेड को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इसका वर्किंग ऐसा ही होता है, क्लियर है। तो ये था आपका फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। अगर आपको फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करनी है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।